भाई तेरा कैमरा ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी। ऑन है, देख ले आरी से लिखा हुआ है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज वैभव जैन, यू आर वाचिंग स्कॉर्पियन वीजे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा जा रहे हो एज अ स्टूडेंट जा रहे हो या फिर एज अ इमिग्रेंट जा रहे हो, तो आपको कौन सा बैग लेके जाने की ज़रूरत है, कौन सा बैग सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है ले जाने के लिए, एंड क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, बैग कितने का है, कितनी कॉस्टिंग है, एंड कहाँ से बैग लेना है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मैं चेयर ड्रैग कर लेता हूँ, बैठ जाते हैं यहाँ पे। हाँ छोटा हो गया थोड़ा, एक सेकेंड। परफेक्ट। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो, नहीं यार ऐसे ना फील नहीं आ रहा, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि तीन बैग पड़े हैं। तो सबसे पहले जो आप बीच में जो बैग देख रहे हो वो है, मैंने वैसे अमेजन से मंगाया है, अमेरिकन टूरिस्टर का पॉलीप्रोपलीन बैग, राइट। जो उसके साथ में आप देख रहे हो इसके, एक सेकेंड, वो जो साथ में बड़ा है वो भी अमेरिकन टूरिस्टर का है, लेकिन वो है आपका पॉलिस्टर बैग, राइट। पॉलिस्टर बैग, पॉलीप्रोपलीन बैग, एंड उसके एकदम लास्ट में जो बड़ा है वो है रक्सैक बैग, बेसिकली इसे हम ट्रैकिंग बैग भी कहते हैं। अब इन तीन, ये डिफरेंट टाइप्स के बैग हैं। इसके अलावा एक और बैग होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट बैग। वो आपने बैग देखा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस वाला होता है एंड वो बहुत जल्दी मतलब ब्रेकेबल हो जाता है थोड़ा सा, सो उसको ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अब इन तीनों बैग के बारे में हम बात करने वाले हैं, इनमें से हमें देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। बीच वाला एकदम नया है एंड इसको हम इसी वीडियो में अनबॉक्स करते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कनाडा ले जाके भी इसकी क्या सर्विस गारंटी मिलती है हमें, इस सब के बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जी यार, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कैबिन बैगेज की, तो आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड किसके अंदर सबसे ज़्यादा सामान आ सकता है? तो मेरे पास एक ये बैग है जिसे हम रक्सक बैग या फिर ट्रैकिंग बैग कहते हैं। सो इसका जो वेट है वो 7 kg से एक्सीड नहीं करना चाहिए एज पर एज एयरलाइन गाइडलाइंस। जो भी एयरलाइन हो, आपकी एमिरेट्स हो, इथियार्ड हो, कतर हो, एयर इंडिया, एयर कनाडा, सबके लिए यही एक गोल्डन रूल है कि 7 kg से ज़्यादा इसका वेट नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें जो लोग एमिरेट्स में जा रहे हैं, राइट, उनके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ एक ही बैग ले जा सकते हैं एज अ कैबिन बैग के अंदर, आइदर वो लैपटॉप बैग हो, आइदर वो 7 kg का बैग कोई भी हो। सो उनके लिए रिकमेंडेड है कि ये वाला बैग जो है, जो कि मैंने ये बैग लिया था, अगर आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो दुबई जाने से पहले मैंने ये बैग लिया था एंड इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ऊपर कार्ड्स में शो कर रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अंदर ये खासियत है कि सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक लैपटॉप के लिए अलग से कंपार्टमेंट है। मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, बट इसके लिए अलग से कंपार्टमेंट है एंड काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं इसकी। एंड एज आप कैबिन बैगेज ले जा रहे हो, देखो आपको कौन कौन सा सामान चाहिए होता है, आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इसके अंदर रखोगे, राइट, एंड कुछ खाने पीने का सामान रखोगे, 14 days के क्वारंटाइन या 3 दिन का क्वारंटाइन, मतलब टोटल जो है आपका 3 + 11, उसके लिए कुछ आप यहाँ से रेडी टू ईट आइटम्स लेके जाओगे तो वो सब आप इसके अंदर रख सकते हो। अपने लाइक इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हो, यूनिवर्सल एडेप्टर है, चार्जर्स हैं, वो सब कुछ A to Z इसमें आप रख सकते हो। प्लस कुछ ऐसे आइटम्स जो कि आपको ट्रैवल में ज़रूरत होगी वो आप इसमें रख सकते हो, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन रख सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। पिल्लो पीछे इसमें कुशन कवर भी है यहाँ पे, वो भी रख सकते हो एंड काफ़ी अच्छा बैग है ये। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। अमेजन बेसिक का ये बैग है, राइट। एक तो ये हो गया हमारा जो कैबिन बैगेज हो गया। अब एक दूसरा बैग आता है, वो होता है ये, इसे हम कहते हैं पॉलिस्टर बैग। ये भी अमेरिकन टूरिस्टर का है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये बैग आप ना लेके जाओ, बिकॉज क्या होता है ना यार, इसमें इसका जो ऊपर सॉफ्ट टॉप जो है, ये एक जैसे कहते हैं ना कपड़ा वाला बैग, ये वो होता है एंड काफी ज्यादा मतलब कि इसकी क्वालिटी जो होती है वो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है। एंड मतलब कि इसका जो डायमेंशन है, जो इसकी बॉडी है, वो भी सॉलिड बॉडी नहीं होती है। सो रिकमेंड करूँगा आप ये ना ले जाकर के आप पॉलीप्रोपलीन का बैग लो अपने डायमेंशन के हिसाब से। सो बात करते हैं जो ये बैग मैंने लिया है, राइट, ये है अमेरिकन टूरिस्टर का पॉलीप्रोपलीन बैग जिसके डायमेंशन है 79 cm। सो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग।
जिसे कहते हैं ना तगड़ा बैग है ये एंड सॉलिड बॉडी. यू नो व्हाट, इसका प्राइस कितना है बताऊंगा इस वीडियो के एंड में. सो अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है ये एंड 100+ कंट्री में इसकी वारंटी है. आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे है इसमें, इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो इसे सिनेमैटिक्स में ना चल बना ही देता हूँ. कि अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है एंड ग्लोबल वारंटी ओवर 100 कंट्रीज है एंड ये बेसिकली जो इसका वेरिएंट है वो कैमलैंड वेरिएंट का है. एंड इसकी कंट्रीज की बात की जाए तो ये कुछ कंट्रीज है एंड अपना कनाडा भी है ऊपर एंड यूएस, मतलब कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज है जिसमें एक स्टूडेंट जाता है पढ़ने. एंड इसके ये कुछ फीचर्स हैं, क्वालिटी है एंड इसके अलावा जो इस पर लिखा है 2.3 kg अल्ट्रा लाइट वेट. सो आप सोच सकते हो कितना लाइट वेट होगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके लॉक की. सो बेसिकली अब क्या होते हैं ना, स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि उनका जो लॉक है हो वो TSA लॉक हो. सो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी बैग लो वो TSA लॉक वाला मत लो, बिकॉज TSA लॉक क्या होता है हमें पता है, वो एकदम ओपन नहीं हो पाता, बहुत सिक्योर होता है. बट अगर इमिग्रेंट्स ऑफिसर को, सपोज आप कनाडा पहुंचे वहाँ CBSA ऑफिसर्स को कोई भी जिसे कहते हैं डाउट हुआ, तो अगर वो उसको खोलना चाहे उससे नहीं खुलेगा तो वो डायरेक्ट ये ब्रेक कर देगा. बट इन लॉक्स में क्या होता है, ये लॉक आराम से खुल जाते हैं. सो उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मल लॉक लो, TSA लॉक लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी बैग की आपके आपने सिनेमैटिक्स देख ली होगी. एंड जनाब इसका जो मार्केट प्राइस है वो है कुछ 9,690 का. मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये आप देखो इसका मार्केट प्राइस जो कि है 9,690. एंड ये जो अब हाँ इधर, तो ये जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है अपना 2,999 का, क्योंकि फ्लैश सेल चल रही थी अमेज़न पे, सो मैंने वहाँ से लिया है. एंड डिस्क्रिप्शन में शायद अभी भी सेल चल रही है, आप जाके देखो. एंड हो सकता है 3,000 समथिंग का हो, तो अभी भी बहुत अच्छी डील है, आप ले सकते हो उसको. सबके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला बैग लो, बिकॉज ये सबसे एकदम कन्वीनियंट, लेस कॉस्ट, इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली एंड टॉप इन क्वालिटी है. सो ये बैग मस्ट है. एज वेल एज रक्सैक बैग जो मैंने आपको बताया था, ये वाला Amazon Basics का, सो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप ले सकते हो. एंड ये थी वीडियो आज की जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंसेस होते हैं. पॉलीप्रोपिलीन बैग है एंड इसका जो डायमेंशन है 79 सेंटीमीटर है. इट मींस कि ये सबसे बड़ा बैग है एंड इसके जो डायमेंशन है वो भी मोस्टली जो एयरलाइंस है उसके गाइडलाइंस के अंदर आते हैं. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, सब्सक्राइब कर ही देना अच्छी लगी हो ना अच्छी लगी हो, एंड शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी और जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन सबको हेल्प हो. टिल देन स्टे सेफ़.